हेलो भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए सर। मैं भी ठीक हूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को अपनी फर्म के बारे में। सर, मेरा नाम है नितेश शौकीन और ये मेरी फर्म है शौकीन फर्नीचर। ठीक है। जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बेड की और सोफे की। ठीक है। दोनों चीज़ें यहीं बनाते हैं अपनी जगह पे, और थोड़ा डिस्प्ले भी किया हुआ है कस्टमर को दिखाने के लिए क्या क्वालिटी रखते हैं, किस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है। ये आपकी जो फर्म है कहाँ सिचुएटेड है, लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन सर इसमें रहेगी निलोटी एक्सटेंशन विकासपुरी की तरफ है, ये वेस्ट दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा लोकेशन का आपके नीचे। ठीक है। तो ठीक है, तो भैया आज हमारे व्यूज को आप क्या क्या दिखाएंगे? बेड और सोफा मेनली यही चीज़ है हमारे पास आज। ठीक है। और बेड में अगर मैं छोटा सा बात करूँ, बेड दिखाने से पहले किस क्वालिटी का मटेरियल क्या क्या थोड़ा यूज़ करते हैं, थोड़ा बता दीजिए ब्रीफ में छोटा सा इंट्रोडक्शन। बेड की जो पूरी आपका स्ट्रक्चर रहेगा वो 18 mm की कटिंग प्लाई रहती है। ठीक है। ऊपर पूरा सिंगल 18 mm की प्लाई रहती है हमारी। हाँ। और कहीं भी कहीं किसी भी जगह पे 18 से कम का इस्तेमाल नहीं करते हम इसमें। ठीक है। बाकी फिनिशिंग तो मैंने आपके यहाँ पे देखा प्रॉपर नीट एंड क्लीन फिनिशिंग है। बाकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कौन से वाले बेड से आप करेंगे? स्टार्टिंग सर हम इस बेड से करेंगे, पिलर वाला इसको बेड बोलते हैं। वी इसमें डिजाइन बनाया हुआ है हमने, जैसे बैक साइड में वी डिजाइन बना हुआ है। ठीक है। इसमें यहाँ पूरा स्टिचिंग की हुई है हमने। ये पूरी स्टिचिंग है, सीएनसी पे करवाते हैं। ठीक है। उसे नहीं की, मशीन से करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये वी वाला डिजाइन है, 50 mm की फॉर्मिंग है इसमें। अच्छा, 50 mm फॉर्म है, ये फॉर्मिंग होती है। वैसे नॉर्मली 40 की लगाते हैं, हमारी 50 की लगती है इसमें। ठीक है। और साइड में पिलर के साथ एक बॉर्डर दिया हुआ है स्टील का, ये स्टील का बॉर्डर है फिनिश देने के लिए। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है। बाकी ये बेड बॉक्स है मेरे हिसाब से, बेड बॉक्स है, इस पे पूरे पे सनमाइका लगा हुआ है। ठीक है। बाहर हर जगह ये पूरा आप इसकी 18 mm की बात करें, 18 mm ये रहेगा आपका इसमें। ठीक है। और सामने से थोड़ा बता दीजिए, हेड सामने की तरफ। सामने भी वही स्टिचिंग सीएनसी पे मशीन पे जो हमारी स्टिचिंग होती है वो करवाइए, बर्फी डिजाइनिंग। ठीक है। और साइड में प्लेन फैब्रिक है पूरा, यहाँ पे भी साइड में अगर आप देखेंगे तो पूरा कुछ नहीं हो रहा है, कंप्लीट कुछ नहीं। इसमें भी आपका एक इंच में जो फोमिंग होती है वो पेस्ट करके फिर फैब्रिक लगाते हैं, क्योंकि मेरे को दिखने में लग रहा है थोड़ी मोटी फोमिंग हो रखी है, थोड़ी मोटी फोमिंग रखनी पड़ती है इसमें। और कपड़ा आप कैसा लगाते हैं? कपड़ा रहता है हमारा 400 रुपए मीटर तक का रहता है, स्वेड फैब्रिक हो गया या आपका वेलवेट में हो गया फैब्रिक, इस तरह के कपड़े लगाते हैं, इस तरह के फैब्रिक लगते हैं हमारे सारे। दूसरा बेड कौन सा आप दिखाएंगे? दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा रिवर डिजाइन। इसे रिवर डिजाइन कहते हैं? इसको रिवर डिजाइन है, और जो इसमें एसएस लगी हुई है हमारी वो सिंगल पीस में है। अच्छा, ये पूरी जो एसएस है पूरी सिंगल में, पूरा एक पाइप ये कटती है हमारी सिंगल सीएनसी पे कटती है ये भी हमारी पूरी। ठीक है। और ये साइड टेबल है, नॉन शेड फैब्रिक है। अच्छा, फुल्ली फैब्रिक है, पूरा आपका नॉन शेड है, हाथ लगाने से इसमें कलर चेंज नहीं आता। ठीक है। और दो ड्रॉअर है कि सिंगल ड्रॉअर है? ये डबल ड्रॉअर्स में है नीचे वाला, बिना नॉब्स का, ये इसमें नॉब्स का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें बीच में स्पेस देते हैं हम के लिए, ऊपर वाला भी इसी से खुल जाता है। ठीक है। और ये हमारा स्टोरेज वाला पार्ट हो गया, ये स्टोरेज वाला है, ये बेसिक कलर है इसके ऊपर। अच्छा, बेसिक कलर है। अगर किसी को इकोनॉमिकल थोड़ा सा कॉस्टिंग में जाना है कस्टमर को, तो वो इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपकी कॉस्टिंग भी कम आती है और सेम कलर रहता है ये आपका, ये भी मतलब 10-15 साल निकाल देता है आराम से। कोई भी बेड तो भैया 15 साल तो चलना ही चाहिए मेरे हिसाब से, 18 mm में बनेगा तो सर चलती है। ठीक है। और कुछ लोगों की क्वेरी रहती है नीचे जहाँ स्टोरेज रखते हैं उसमें कितना mm लगाते हैं आप? उसमें भी 18 है। अच्छा, नीचे भी हमारा 18 रहता है, पूरा 18 रहता है। ठीक है। और ये एक साइड टेबल है, ये दोनों तरफ साइड टेबल है इसकी, और हाँ इसमें सारी चीजें आपको ये हो गई वोट हो गई सिंगल पीस में। ठीक है भैया, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कराना ये सारी चीज़ तो आराम से हो जाएगी, कस्टमाइजेशन हो गया सर। ठीक है। अगर ऐसे कोई भी आपको ऑर्डर देता है तो कितने दिन में आप बना के उन्हें दे देंगे? मिनिमम 10 डेज तो इसमें रिक्वायरमेंट है थोड़ी हमारे लिए। अच्छा, 10 डेज में आप बना के दे देंगे। जैसे कोई कस्टमर आता है जैसे जो बाहर से आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, क्या डिलीवरी फैसिलिटी है आपके पास? डिलीवरी फैसिलिटी भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, उसके तरीके से आप वो करवा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब सामान जाता है आपका बाहर। ठीक है। बाकी दोस्तों, ये वाले बेड भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये वाला बेड तो मैंने दिखाई दिया, ये वाला बेड आपको मिल जाएगा, सभी तरह के आपको यहाँ पर बेड मिल जाएंगे। और अपने अकॉर्डिंग अगर आपको कोई डिज़ाइन लाना है तो वो भी बनवा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, ये स्टिच फैब्रिक है ये वाला। हाँ हाँ, इसमें स्टिचिंग ऑलरेडी कंपनी दे दी है। ठीक है। और ये भी करा सकते हैं? नहीं, कुछ कस्टमर आपको फोटो देते हैं हमें ये बेड चाहिए, तो अवेलेबल हो जाएगा? अवेलेबल हो जाता है, ऑर्डर पे बनता है हमारा। ठीक है। कस्टमाइजेशन पूरी 99.9%। नेक्स्ट कौन सा बेड दिखाने वाले हैं भैया? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लेदराइट वाला बेड। अच्छा, लेदराइट है वाला बेड है, इसमें हमने स्टिचिंग करवा के और इसमें ये स्टिचिंग हो रखी है। हाँ, ये पूरी स्टिचिंग है और यहाँ चेस्टर बनवाया हुआ है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। ठीक है। बाकी दो साइड बॉक्सेस हैं वो पॉलिश में है सारे। अच्छा, ये पूरे ये पूरा पॉलिश है, डुअल टोन में है, एक ग्रे पार्ट है एक वाइट पार्ट है, एक ग्रे पार्ट है एक वाइट पार्ट है, ये कस्टमाइजेशन है इसमें पूरी हमारी तरफ से। साइड पे भी सेम वही आपको मिल जाएगा, सेम वही मिलेगी।
और साइड टेबल भी हैं इसके साथ? साइड टेबल वो भी कस्टमाइज है, ये वाला पोर्शन आपका खाली रहेगा, इसमें ड्रॉअर लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरी साइड टेबल वहाँ पे है? ठीक है भैया, ये हाइड्रोलिक है कि मैनुअल है? ये मैनुअल में आता है, अगर आपको हाइड्रोलिक में देखना है तो ये वाला है, इसका जो हमने ऊपर का जो पल्ला होता है वो अभी फिट नहीं किया हुआ है। ठीक है, मतलब हाइड्रोलिक ऐसे होते हैं? हाइड्रोलिक ऐसे होते हैं, आपको एक अंदाजा दे देता हूँ, ये सिंगल बेड है हमारा, किड्स के लिए है ये फुली हाइड्रोलिक है, ये फुली हाइड्रोलिक है, लगाने के बाद ऐसा दिखता है। ठीक है, और इसके अंदर आपने लग रहा माइका लगा हुआ है पूरा? पूरे में माइका इंस्टॉल किया हुआ है सारा। ठीक है, और इस वाले का थोड़ा डिजाइन अच्छा लग रहा है, सिंगल बेड है मेरे हिसाब से, किड्स के लिए होता है स्पेशली किड्स के लिए बनाते हैं इस बेड को। ठीक है, इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं, कलर भी चेंज करा सकते हैं, रूम के हिसाब से बन सकता है। ठीक है, एक ऑन टाइम आपके फोटो कितने अवेलेबल होंगे, कोई डिजाइन सिलेक्ट करना, कितने कम से कम डिजाइन होंगे? 400 पिक्चर्स अवेलेबल है हमारे पास, उसमें से कोई भी बन जाएगा? ठीक है, और सोफे भी हैं कुछ लगे हुए यहाँ पे? सोफे भी देख सकते हैं, ये चेस्टर वाला है, इसमें बटन नहीं लगे हुए, बट पूरा चेस्टर फील है सोफा आपका, ये पूरा चेस्टर सोफा है, इसमें पूरा स्टिच करके खींच के इसको अच्छे तरीके से इसमें पफिंग पफिंग करके। ठीक है, और यहाँ ये कितना सीटर है भैया? 4 सीटर है ये? 5 सीटर है। अच्छा, 5 सीटर है, और ये कितना? 4 सीटर, ये 4 सीटर है, ये 5 सीटर। अच्छा, 5 सीटर, ये 4 सीटर। कलर कॉम्बिनेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज में कोई भी करवा सकते हैं, कस्टमाइजेशन पूरी है, सीटिंग आपको अगर डेट भी करानी है डेट सीटिंग भी हो जाएगी, तीन करानी है तीन भी हो जाएगी, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके मेजरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, बाकी अपने अकॉर्डिंग अगर आप कोई सोफे का डिज़ाइन देते हैं तो वो भी बन जाएगा। उन वाली चेयर को हम क्या बोलेंगे भैया? हाई बैक चेयर बोलते हैं सर। हाई बैक चेयर। ठीक है, डुअल टोन का फैब्रिक लगाते हैं, पीछे आपका फैब्रिक लगेगा कुछ ऐसे में। ठीक है, कलर आप कोई भी ले सकते हैं, दो भाग में कलर ले सकते हैं, आगे पीछे प्रिंटेड भी ले सकते हैं और आगे भी आप प्रिंटेड ले सकते हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है सारा। ठीक है, दो चेयर है, दो चेयर का सेट है, कंबाइन आती है, बाकी कलर कॉम्बिनेशन तो आपके पास अवेलेबल होगा, किसी को सिलेक्ट करना, कोई भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, प्रिंटेड लेना है, लाइट कलर लेना है, डार्क लेना है, 400 कलर अवेलेबल है मेरे पास अभी। ठीक है, आप ठीक है लगवा सकते हैं। बाकी एलसीएफ सोफे भी मैंने यहाँ पे देखे, एलसीएफ सोफा है भैया? ये चेस्टर में एल सीटिंग वाला सोफा है ये हमारा। ठीक है, और लाउंज वाला पीस है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन बता दीजिए कौन सा कलर है? कॉम्बिनेशन इसमें सर ग्रे कलर पूरे पे लगवाया हमने। ठीक है, और ये चेक वाला फैब्रिक है। अच्छा, फैब्रिक जो है चेक, हल्का सा चेक है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, और इसको भी कस्टमाइजेशन पूरी है, इसकी लेंथ भी बढ़वा सकते हैं या फिर इसको दूसरी तरफ लगवा सकते हैं, वो आपके हाथ में है सारी चीजें। ठीक है, इस तरीके से बनवाना चाहते हैं वो बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ सिंगल सिंगल चेयर अवेलेबल है स्पेशली कस्टमर को दिखाने के लिए, ये वाली? हाँ जी। ठीक है, ये स्पेशली की आपको डिजाइन क्या चाहिए चेयर्स के, एक ये डिजाइन आता है, ये आता है, ये थोड़ा विंटेज लुक में आ जाता है ये थोड़ा, और ये आपका प्रिंटेड फैब्रिक पीछे लगा हुआ है, बैक में प्रिंटेड फैब्रिक है, प्रिंटेड फैब्रिक में है, और आगे की तरफ क्रीम कलर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चेंज करवा सकते हैं, कस्टमाइजेशन पूरी है 99.9%। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं, कुछ कार्बिन वाले सोफे भी यहाँ पे रखे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस वाले सोफे को भी क्या बोलेंगे हम? इन सोफे को कार्बिन आउल सेट है ये, इनको ये आउल जो हमारा बर्ड होती है वो उसका नाम दिया गया है, क्योंकि इस पे आउल बना हुआ है, इस पे आउल बना हुआ है। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है सोफा, और कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, कौन सा कलर कपड़ा ये सब लगा हुआ है? कलर इसमें स्वेड फैब्रिक लगा हुआ है, टेक्सचर्ड है ये। ठीक है, ये प्रिंटेड फैब्रिक है, ये स्वेड फैब्रिक है, और फॉर्मिंग इसमें कम से कम भी 2.5 इंच की करनी पड़ती है हमें, जब जाके इतना मोटा आता है, बफिंग थोड़ा पफ आता है इसमें निकल के इसमें सारी चीज़ें। ठीक है, और ये पीयू पॉलिश है पूरी, ये पीयू पॉलिश है ही बनता है। ठीक है, और कितने सेट, मतलब कितने सीटर है टोटल ये? ये आपका 7 सीटिंग है पूरा ये 7 सीटर है। ठीक है, और कंप्लीट कार्बिन है इसमें, आप देख सकते हैं पूरा, मेरे हिसाब से पूरा फिनिशिंग के साथ है, कहीं आपको कुछ डाउट नहीं है मेरे हिसाब से इसमें देखने में, पूरी पॉलिश में। ठीक है, और भैया इसमें जो फॉर्म, कितने इंची की फॉर्म आप लगाते हैं इसमें? सर आपकी 100 mm की फॉर्म होती है। अच्छा, 100 mm की लगती है 40 डेंसिटी में। ठीक है, मतलब कुछ बैठने बैठने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आता। अच्छा, 8 साल फैब्रिक भी चेंज कराना पड़ता है सोफे का, तो उस टाइम फॉर्म भी चेंज हो जाती है फिर। ठीक है, बाकी इस तरह के सोफे कहीं नहीं जाता, पॉलिश कहीं नहीं जाएगी, मेन रहता है सिटिंग का। सिटिंग अगर हमारी 40 mm की 40 डेंसिटी की लगी है स्लीप वेल की, तो कोई इशू नहीं है, 8 साल 10 साल आराम से जाते हैं उसमें निकल। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, कहने का मतलब है आप इसमें भी अपने अकॉर्डिंग डिजाइन दे के बनवा सकते हैं, या प्रिंटेड बैक में लगा सकते हैं, या इससे भी लाइट कलर आप चूज कर सकते हैं इसमें अपने तरीके से, कुशन का डिजाइन कोई भी करा सकते हैं, प्रिंटेड कराना है प्रिंटेड भी हो जाएगा, जैसा आपकी कस्टमाइजेशन रहेगी उस हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी बहुत सारे बेड अवेलेबल हैं, ये वाला बेड देख सकते हैं आप, इस वाले बेड के बारे में थोड़ा फीचर बता दीजिए भैया।
इस वाले बैट के। हाइट कितनी है भैया? ये 5 फीट की हाइट है। अच्छा 5 फीट की हाइट है। और बॉक्स क्या साइज है इसका? बॉक्स का है 16 इंच के बॉक्सेस है। 16 इंच का बॉक्सेस है। मैट्रेस का साइज जो रहेगा 72x78 है इसका। ठीक है। और इसमें बर्फी वाला डिजाइन बनाया। अच्छा ये बर्फी वाला डिजाइन है। वाला डिजाइन बोलते हैं उसको। ठीक है। साइड में फ्लूटेड है पूरा। ठीक है भैया। पॉलिश कौन सी करते हैं? थोड़ा शाइनी दिख रहा है। अच्छा सब में प्यू पॉलिश करते हैं? सब में प्यू पॉलिश रहती है और इसमें फ्लूट स्पेशली लगता है इस डिजाइन में। अच्छा फ्लूट का डिजाइन सीएनसी पे बन के आता है हमारा ये वाला। अच्छा ठीक है। साइड टेबल पे भी फ्लूट ही रहती है हमारी इसमें। अच्छा ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ी शाइनिंग बढ़ जाती है क्या इसमें? सर थोड़ा सा ना 3D में आ जाती है आपकी। अच्छा थोड़ा 3D में बन जाती है वो, थोड़ा एनहांस करती है अपने बेडरूम जो हमारे होते हैं उसके लिए ठीक रहता है ज्यादा। ठीक है। और इस तरह के बेड भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे? ये 9 फीट की बैक में है सर। ये 9 फीट की बैक पे आपकी साइड टेबल आ जाएंगी। यहाँ पे साइड टेबल आ जाएंगी। ठीक है। और यहाँ पे भी एक बेड और देख सकते हैं। ये बेड थोड़ा हैवी बना हुआ है मेरे हिसाब से भैया। ये पूरा भी इसमें जो इसके बॉर्डर है ये 6 इंच में है। 6 इंच का बॉर्डर है? 6 इंच का बॉर्डर देना पड़ता है। ये कस्टमर की कस्टमाइजेशन है पूरी। अच्छा उन्होंने पिक्चर दी थी, मैंने सेम बना के दिया उनको। ठीक है। ऑर्डर का ही बेड है। ठीक है। हेड साइड अगर देखेंगे तो वो भी बहुत हैवी बना हुआ है। वो भी बहुत हैवी में है। साइड से थिकनेस देखेंगे तो कम से कम 1 फुट के आसपास थिकनेस है इसकी। ठीक है। के आसपास रहती है इसमें। ठीक है। तो भैया स्टार्टिंग प्राइस आपके यहाँ पे कितने से स्टार्टिंग प्राइस है बेड का? सर विदाउट साइड टेबल 28,000 से शुरू है बेड। ठीक है। और वही क्वालिटी जो आपने भी दिखाई सब में सब में रहेगी इसमें। अगर आपको फुली हाइड्रोलिक करवाना है तो उसका चार्ज अलग होता है 5,000 का, और अगर आपको सनमाइका भी इंस्टॉल करवाना है तो उसका भी 5,000 होता है अलग से। ठीक है। और जैसे आप साइड टेबल के साथ लेते हैं तो 35 का आपको बेड पड़ता है पूरा। हाँ हाँ उसी 18mm की कटिंग प्लाई में। और अगर उसमें आप सनमाइका लगवाएंगे 40,000 का पड़ जाएगा। अगर आप उसमें फुली हाइड्रोलिक भी कराते हैं तो आपको 45 का पड़ेगा, 45,000 का। ठीक है। बाकी ऐसा भी कुछ लोगों का क्वेरी होती है जैसे उनको डर लगता है कि बाहर से अगर वो मंगाते हैं उनको लगता है कि उनका प्रोडक्ट डैमेज ना हो जाए। नहीं नहीं वो पूरा 3 लेयर की पैकिंग करा के यहाँ से हम उनको भेजते हैं और पूरी सिक्योर, मतलब पूरा सिक्योर रहती है चीज़ें हमारी। ऐसा कुछ नहीं है कि डैमेज होके जाएगी। डैमेज का कोई इशू नहीं होता। ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी रहेगी अवेलेबल। अच्छा मतलब ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी है आपकी। और एक ये भी रहता है कि मतलब किसी को लोकेशन समझ नहीं आ रही तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पर भी लोकेशन मंगवा सकते हैं। मेनली ये होता है कि ये फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसमें एड्रेस से कई बार आ नहीं पाते कस्टमर, तो उनके लिए लोकेशन है, व्हाट्सएप करिए आपको लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है। मेरी तरफ से वेलकम मैसेज चला जाएगा अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, उसमें लोकेशन भी है और बेड की फोटोज भी हैं सारी। ठीक है। वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप। ठीक है। तो एक छोटा सा वो रहेगा बस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा सर इसमें 9650465386। ठीक है। और जितने भी भैया के नंबर हैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आके बेड ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पर बनता है और फिनिशिंग मेन यहाँ पर मेरे को लिखा, और मैंने हर जगह से एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर फिनिशिंग का थोड़ा अच्छा है। हाँ बाकी आप आ सकते हैं, भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जितनी डिटेल है सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।